दोस्तों, अगर आप भी राशिद खान और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राशिद खान ने पाकिस्तान से जीत के बाद फहराया तिरंगा तो तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुट्टाकी ने दी पाकिस्तान को धमकी। वहीं भारत की तारीफ कर दिया होश उड़ा देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में अफगानिस्तान को मिली जीत के बाद राशिद खान ने मैदान पर भारत का तिरंगा फहराया है, जिसके बाद तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान ने राशिद खान का खुला समर्थन करते हुए एक ऐसा बयान जारी किया है जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार राशिद खान के झंडा फहराने पर तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान ने समर्थन करने के साथ भारत की तारीफ करते हुए क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, राशिद खान, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में अफगानिस्तान की टीम ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। इस मैच में पाकिस्तान की हार के बाद अफगानिस्तान की जीत की खुशियां चारों तरफ मनाई जा रही है। इस बीच मैच के बाद अफगानिस्तान के महान गेंदबाज राशिद खान ने जीत दर्ज करने के बाद मैदान पर तिरंगा फहराया और पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। ऐसे में इस मोमेंट को देखकर हर कोई दंग रह गया है और मोमेंट के चलते आईसीसी ने राशिद खान पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया, जिसके बाद यह विवाद और भी ज्यादा बढ़ चुका है। इसी बीच पाकिस्तान को धमकाते हुए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान ने राशिद खान का समर्थन और भारत की तारीफ कर पाकिस्तान के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी किया है, जिसमें तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मोटकी ने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद राशिद खान ने झंडा फहराया है, जो बिल्कुल सही है। ऐसा कोई भी गलत कार्य राशिद खान ने नहीं किया है, जिसको लेकर बवाल पैदा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि राशिद खान के द्वारा किए गए इस कार्य को नेगेटिव रूप में दिखाया जा रहा है, जिसके चलते भारत और अफगानिस्तान के संबंध बिगड़ जाएं। आपको बता दें, भारत और अफगानिस्तान के संबंध इस समय भाई भाई के समान है। ऐसे में कोई भी अगर भारत और अफगानिस्तान के संबंध को खराब करने की कोशिश करेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हमारे लिए भारत पाकिस्तान से ऊपर है और पाकिस्तान की टीम के साथ पाकिस्तान की धरती को हम भारत के बाद मानते हैं, जबकि भारत हमारे लिए सबसे ऊपर रहने वाला देश है, क्योंकि भारत ने आज तक हमारे देश के लिए काफी कुछ किया है जो शायद पाकिस्तान की टीम पूरी जिंदगी भी नहीं कर पाएगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि राशिद खान ने जो कुछ झंडा फहराया है उसमें उनका व्यक्तिगत पसंद देखी जा रही है। हालांकि वो अफगानिस्तान के लिए खेलते हैं, ऐसे में उनका तिरंगा फहराना गलत है, लेकिन उन्हें मालूम है कि अफगानिस्तान के साथ साथ भारत में उनके घरेलू देश की तरह है, क्योंकि आज अफगानिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है तो उसके पीछे भारत का हाथ है। अगर भारत की धरती पर अफगानिस्तान के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए बड़े नहीं होते तो शायद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना बेहतर नहीं होता और अफगानिस्तान के खिलाड़ी पूरी दुनिया में अपना नाम नहीं कमाते। ऐसे में पाकिस्तान की टीम को बता देना चाहता हूं कि बेवजह राशिद खान को परेशान करने की जरूरत नहीं है। राशिद खान की वो व्यक्तिगत पसंद है, वो चाहे तो तिरंगा फहराए। ऐसे में अगर अब की बार कोई उनको किसी तिरंगा फहराने से रोकता है या उन पर बयान दिया तो उसको तालिबान बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राशिद खान को अफगानिस्तान के साथ साथ भारत का तिरंगा भी फहराना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।